हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर रीवा से है, जहां के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्री इंदौर की टीम दबिश दई के किराए के घरे में रहे वाले संत कुमार यादव के कमरा के तलाशी लिहिन, जेके बाद युवक के ऊपर विश्वविद्यालय थाना में ही 25-27 आम एक्ट के तहत मामला का दर्ज किन गा हवाई। बतावा गा के आरोपी पहले से NDPS एक्ट के धारण में ही आरोपी रहा और यही धारा के विवेचना करे टीम ओके घरे पहुंची रही, जोने के बाद तलाशी लिहे मा भारी मात्रा में ही अवैध सलाहाओं के कमरा से बरामद भा। बतावा जाता है कि पुलिस अब अवैध हथियार की सप्लाई करे वाले लोगों तक पहुंचे के कोशिश कर रही है। रीवा माही अठे अधेड़ महिला का आरोपी हवस के शिकार बनाई। सपना का बताई दी कि महिला का कमरा में बंद कई के ओके साथ दुष्कर्म कीन गा और केहू से बताए पर जान से मारे के धमकी खिलाए दीन गए। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस लौर थाना के झलवार के रहे वाले मोतीलाल कोल के ऊपर बंधक बनावे और दुष्कर्म करे के साथ जान से मारे के धमकी दे के धारण में ही मामला दर्ज कर लिहिन और आरोपी का घेराबंदी कर के हिरासत में ले लिहिन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 3 चरण में मतदान के बाद अब उनके परिणाम के घोषणा कई दिन गए है। सलगे ब्लाकन के मुख्यालय में ही मतगणना के सारणीकरण कई के एक कई जहां विजेतन का प्रमाण पत्र बांटागा तो ऐसा प्रत्याशी रहे जे नहीं जीत पाए वो फिर से मतगणना के मांग करी नहीं भाई। अपने को बताई दी कि ग्राम पंचायत नवा गांव के सरपंच पद खातिर निकटतम प्रतिद्वंदी संजू सिंह पुनर्गणना खातिर मांग करे रहे, जेके बाद कोर्ट से बकायदा आदेश घलाए दिन गा रहा। शिकायत करता ये आरोप लगाएं कि SDM कोर्ट के आदेश के बाद रिकाउंटिंग नहीं करवाई और खाली खाना पूर्ति करे खातिर हारे 4 प्रत्याशी के साइन करवाई लें, जबकि याचिकाकर्ता न तो सिग्नेचर करे रहे न वे उनके कहे पर रिकाउंटिंग कीन गए, जोने के चलते शिकायतकर्ता रिकाउंटिंग के मांग कर अल्लाह मा। रीमा जिला के मनिगमा थाना क्षेत्र के गगेव माही एक महिला के निर्मम हत्या के पुलिस सनसनीखेज खुलासा कई के हत्या कराए वाले आरोपी बहु और ससुर का गिरफ्तार कर ली। अपना का बताए दी कि हत्या के कारण जान के पुलिस घलाए भौचक्की रही गए। ससुर अपने बहु का अपन दूसर शादी कराए खातिर अपने पहल पत्नी के मारे के सुपारी दिए रहे। बतावा जात है कि सरोज कोल जब सोबत रही तब उनकर बहु कंचन कोल हसिया से हमला कर दी, जेके बाद महिला का अस्पताल लेके पहुंचे जहां उनकर मौत हो गई। महिला निवासी सरोज कोल है जिसकी हत्या हुई है 12 जुलाई को सुबह 5:30 बजे। उसकी बहू ने कंचन कोल ने अपनी सास हसिया से मार करके हत्या, उसको घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट किया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका जो है उसका पति किसी महिला से उसके संबंध थे, इस वजह से मृतिका और उसके पति में आपसी झगड़ा होता था और मृतिका का अपनी बहू कंचन से भी, जिसने मुखारूपी है, इससे भी उसका विवाद चारित्रिक संख्या को लेकर के हुआ करता था। रीमा के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी अपने पद से इस्तीफा दे दी नहीं भाई। अतने नहीं त्रिपाठी महासचिव के नाम से भेजे गए त्याग पत्र में लिखिन के अध्यक्ष पद के साथ है साथ हु संगठन के प्राथमिक सदस्यता से घलाए त्याग पत्र दे लाहमा। एकर मुख्य कारण वो अपने खराब स्वास्थ्य का बताए। एक साथ यह लिखी नहीं भाई कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुए के बाद वो बिना कोनो पद के सर्व समाज के सेवा खातिर हमेशा तत्पर रही ही। यह त्याग पत्र अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हालांकि यह पत्र को लिखी सी भाई अब कहाँ लिखी सी भाई अगर पुष्टि Virat 24 News नहीं करे। और अब बात करे थे सिमरिया विधानसभा के वार्ड क्रमांक 4 के, जहां काउंटिंग माही सुंदरिया कोल 399 वोट ज्यादा पाए के जीत हासिल करी नहीं भाई। अपने को बताया दी कि सुंदरिया कोल वार्ड से जीत हासिल करें जो वार्ड सामान्य खातिर आरक्षित रहा है। बतावा यह जाता है कि सामान्य सीट से सुंदरिया कोल जीत के जिला पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी के करीब पहुंच चुकी हम। क्षेत्र के जनता और हमारी माता जी। किसको श्रेय जाता है ये जीत का? अभय मिश्रा। क्या करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए अब जीतने के बाद? विकास करेंगे। और क्या प्राथमिकताएं हैं, किस तरह की वहाँ के लोगों की जरूरतें हैं? शिक्षा है, रोड है, गली है, पानी है, नाली है, शौचालय है, सभी चीज़ है।
क्या समस्याएं हैं उधर क्षेत्र में? आप गई होंगी क्षेत्र में, लोगों से मिलने गई होंगी, तो क्या बोले लोग? किस तरह की दिक्कतें लोग वहाँ की बताए क्षेत्र में थी, जिनको आश्वासन दी होंगी आपकी करेंगे आपके लिए? वहाँ पानी नहीं है, रोड नहीं है, गली जैसे कीचड़ होता है, जहाँ रोड तमीज नहीं आता वहाँ कीचड़ भी बहुत है। पानी जरूरी है जो कि कहते रहे लोग। अभी आप मंदिर आई, यहाँ पंडित जी ने बताया कि 7 दिन से यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ किया जा रहा था, जीत के लिए नारियल रखी गई थी। कितना सहयोग मानती है माता जी का जनता के साथ? बहुत पूरा सहयोग है हम जनता के साथ। धारवाड़ के जनता कह रहा जी, वो पूर्व विधायक मिश्रा जी का सहयोग रहा, असल समाज के हमारे अच्छे बिल्कुल रहा, सहयोग से हम चुनाव जीते। सामान्य सीट से आदिवासी का जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है जिला पंचायत के लिए भी, तो क्या कहेंगे समाज के लोग, किस तरह से समाज के लोगों का भी सहयोग रहा? सभी समाज के लोगों का, सभी समाजों का रहा। अब आगे किस तरह से विकास के लिए, विकास में आप हाथ सबके साथ बटा कर करेंगे क्षेत्र के लोगों को? सर हर एक समस्या, जैसे भौतिक लोगों को पानी का सबसे बड़ी समस्या, लाइटों के सब समस्या, रोड गली के सारी समस्या है, हम लाइन के साथ ये राजराजेश्वरी माता के पास 7 दिन से वो चल रहा था विजय के लिए, तो क्या आज यहाँ आप पहली बार पहुँचे, जीतने के बाद तुरंत यहाँ पहुँचे आशीर्वाद लेने, क्या मानते हैं कि कितनी कृपा थी जनता के साथ? भरपूर उसकी कृपा थी सर, बहुत कामना करता। आज प्रसाद मिला यहाँ से और यहाँ एक शक्ति मिली है आपको। जी जी। और अब बात करें सतना के, तो सिटी कोतवाली पुलिस मोबाइल फोन माही अश्लील वीडियो बनाए के लोगन का ब्लैकमेल कई के ठगे वाले एक ठे गिरोह का पकड़ी नहीं, जोने माही एक ठे महिला खलाए शामिल ही, ओके साथ 4 ठे आदमी शामिल हमा। मामला माही पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है भाई। वहां अश्लील वीडियो बनाए के लोगन का ठगे वाले गिरोह के पकड़े जाए से इलाके में सनसनी फैली गई है। संजय जैन है जो व्यापारी है, उन्होंने एक शिकायत की थी कि रजनी और रश्मि पटेल है जो उसने पहले मोबाइल से उसने संपर्क किया, इसके बाद उनकी थोड़ा सा दोस्ती यारी करके और कुछ अश्लील वीडियो बना के और इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। 5 लाख रुपए ले लिए थे और 15 लाख रुपए के चेक भी लिए थे। तो रश्मि और के खिलाफ जब शिकायत की तो इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की, जाँच किया तो पता चला कि रश्मि अपने 4 साथियों के साथ, विजय दाहिया है कुछ और उसके साथी है। भैया भाई नहीं, आज के लाने इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।